हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं बोतल मिनी जूसर का, जो मैंने लिया है अमेज़ॉन से। बोतल हार्ड प्लास्टिक की बनी है, नीचे और ऊपर दोनों साइड से ओपन होती है और बोतल रिचार्जेबल है। सबसे पहले मैं पानी डाल रहा हूं, जिससे आपको मोटर के प्रेशर का आइडिया हो जाए। नीचे दिया हुआ है पावर बटन, दो बार प्रेस करने पर जूसर स्टार्ट हो जाएगा। प्रेशर तो बहुत अच्छा है। इस बोतल में आप मिल्क शेक, कोल्ड कॉफी, जूस, बेबी फूड, आइसक्रीम, आइस टी, सोया मिल्क, वेजिटेबल जूस बना सकते हैं। अब मैं बनाने वाला हूँ कोल्ड कॉफ़ी, देखते हैं कैसे बनती है। और मैं डाल रहा हूँ आइसक्रीम, कुकीज़, शुगर, कॉफ़ी और लास्ट में डाला है मिल्क। आप सोच रहे होंगे इतनी बढ़िया रेसिपी मुझे कैसे पता। तो दोस्तों, ये रेसिपी मुझे मिली है द हंगर बूत चैनल से। द हंगर बूत चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेंगी, तो एक बार जरूर जाकर चैनल को देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोल्ड कॉफ़ी भी हो गई है रेडी। जूसर में आपको ऑटो ऑफ मिलता है, तो आपको जूसर को ऑन करके रख देना है, जूसर अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो हो गई है कोल्ड कॉफ़ी रेडी। अब बनाने वाले हैं बनाना शेक। बनाना शेक बनाने के लिए चाहिए आइसक्रीम, मिल्क, शुगर। मैंने बनाना को छोटे पीसेस में काट लिया था, पर आप इतने छोटे मत करना, मीडियम साइज के रखना। थोड़ा सा शेक कर देंगे जूसर को और कर देंगे स्टार्ट। दोस्तों, आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। ये मिनी जूसर है, तो आप इसको बड़े जूसर से कंपेयर नहीं कर सकते, और जूसर को बैक टू बैक दो बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, वरना मोटर ख़राब हो सकती है। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हैं जो जूस बना रहे हैं पानी डालकर। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, पानी वाला जूस कौन ही पी सकता है। तो आप इस जूसर में किसी भी तरह का शेक बना सकते हैं, जिसमें मिल्क डलता है, और जूस में आप ऑरेंज, मौसम्बी जैसे फ्रूट का जूस बना सकते हैं। और शेक हो गया रेडी, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, आप ले सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है तभी। जूसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी होगी। तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए इसी तरह की यूजफुल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। और जल्दी आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ।